में देखा महासंग्राम है तो कांग्रेस भी कहां कम रहने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में डेटा एनालिसिस सेल पार्टी के चुनाव अभियान का केंद्र बिंदु बनी हुई है और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित वॉर रूम में से पार्टी चुनावी अभियान पर नजर बनाए हुए है। ये खास रिपोर्ट एक और आपको दिखाते हैं। देश के इतिहास में हिलाने वाला चुनाव, बीजेपी की ताकत पर कांग्रेस का करारा वार। माना जा रहा है कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ साथ मोदी की लोकप्रियता और सोशल मीडिया की सक्रियता, आईटी पे पूरा फोकस दिखाया जा रहा है। जहां 2014 की तरह बीजेपी 2019 में भी उसी तरह खड़ी है, वहां कांग्रेस ने भी ये इरादा पक्का कर लिया है कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। इस बार का चुनाव कई मायनों में बेहद खास है। एक और सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में जुबानी वार पलटवार से अपने विरोधियों से निपटने में दिन रात लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर एयर कंडीशन दफ्तरों में आंकड़ों से खेलने वाले विश्लेषक भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। बीजेपी के हाईटेक वॉर रूम की तरह के कांग्रेस के पास भी एक ऐसा ही हथियार है, नए जमाने का चुनाव। नए जमाने के हथियार, डाटा एनालिसिस सेल। कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद डाटा एनालिसिस सेल कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान का केंद्र बिंदु है। हर पार्टी का एक वॉर रूम होता है और कांग्रेस का भी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित वॉर रूम है। हालांकि ई वॉर रूम के मुखिया प्रवीण चक्रवर्ती इसे वॉर रूम की जगह कंट्रोल रूम या पीस रूम कहना ज्यादा पसंद करते हैं। देश के हर बूथ से इस वॉर रूम में लगातार फीडबैक आता रहता है। कांग्रेस का वॉर रूम देश के हर बूथ की पूरी और पक्की जानकारी, किस पोलिंग बूथ पर किस धर्म के कितने लोग, उस पोलिंग बूथ पर किस जाति के कितने मतदाता, हर मतदाता का आर्थिक स्तर क्या है, मतदाता का मकान पक्का है या कच्चा, नौकरी करता है या व्यापार या फिर किसान है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, इन सारे सवालों के जवाब कांग्रेस के इस बेहद खास वॉर रूम में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा वॉर रूम के मुखिया प्रवीण चक्रवर्ती की टीम इस बात का भी पता लगाती है कि उस पोलिंग बूथ पर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसे और कितने वोट मिले थे, किस जाति के ज्यादा वोट किस दल को गए थे, पिछले चुनावों में कौन से मुद्दे खास थे, जनता में इस बार किस मुद्दे की चर्चा है, जनता के बीच कौन सा नारा चर्चा में है, किस इलाके में क्या करने की जरूरत है। इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वॉर रूम से मिले फीडबैक के बाद प्रवीण चक्रवर्ती की टीम अपने डाटाबेस से क्रॉस चेक करके जमीन पर मौजूदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को बताया जाता है कि संबंधित इलाके में उन्हें कैसे मुद्दे उठाने चाहिए, प्रदर्शन करने चाहिए, रैली के आयोजन की तैयारी करनी चाहिए, किसी बड़े नेता की जनसभा करानी चाहिए या फिर सिर्फ घर घर जाकर प्रचार करने से ही पार्टी के पक्ष में सबसे बेहतर माहौल बनाया जा सकता है। कांग्रेस के वॉर रूम की कंप्यूटर स्क्रीन पर हर लोकसभा क्षेत्र की बूथवार जानकारी नजर आती है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र के नाम पर क्लिक करते ही इस बात की जानकारी तुरंत मिल जाती है कि उस बूथ पर कुल कितने परिवार रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका जाति धर्म क्या है और वो जीवन व्यापन के लिए क्या कारोबार करते हैं। कांग्रेस के इस वॉर रूम का कमाल, पिछले 2 महीने में बने 2.5 लाख कार्यकर्ता। कांग्रेस के नए जमाने के हथियार के रूप में सामने आए वॉर रूम का असर भी दिखना शुरू हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने के दौरान बूथ स्तर के 2.5 लाख कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा गया है। वॉर रूम में मौजूद बूथ स्तर की सटीक जानकारी की वजह से पार्टी इन लाखों कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाई है। हालांकि वॉर रूम के मुखिया प्रवीण चक्रवर्ती के मुताबिक प्रियंका को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद ही यूपी में पार्टी ने बूथ स्तर के लाखों कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। एक और खास बात यह है कि कांग्रेस के डाटा एनालिटिक्स सेल के कंप्यूटर पर जो भी जानकारी है वो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के मोबाइल स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। जाहिर है मिशन 2019 को फतह करने के लिए कांग्रेस ने अपने तर्कश में उन तीरों को शामिल कर लिया है जिसकी वजह से उसे 2014 में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी में प्रियंका गांधी की सक्रियता से इसमें और तेजी आई है, लेकिन इस महासमर में बीजेपी का वॉर रूम कांग्रेस के वॉर रूम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जाहिर है मिशन 2019 को फतह करने के लिए कांग्रेस ने भी अपने तर्कश में उन तीरों को शामिल करना शुरू कर दिया है जिनकी वजह से उसे 2014 में बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
पार्टी में प्रियंका गांधी के सक्रिय होने के बाद इसमें और तेजी भी नजर आ रही है, लेकिन अभी इस महासमर में बीजेपी का वॉर रूम कांग्रेस के वॉर रूम पर भारी पड़ता ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।